आवाज आ रही रही है है। सबको? में में so, में हमने पढ़ा था किसके बारे में? Consideration के बारे के उसमें उस था क्या क्या था फर्स्ट था रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड था पर्सनल रिक्वायरमेंट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कौन किसको रिपोर्ट करता है सेकेंड में हमने पढ़ा था पर्सनल रिक्वायरमेंट कैसे हमको पर्सन चाहिए होते क्वालिफाइड पर्सन टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं थर्ड में हमने पढ़ा था स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में स्पेस रिक्वायरमेंट सब डिवाइड हो जाता था फोर पार्ट्स में फर्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेकेंड था फिजिकल टेस्टिंग एरिया थर्ड था स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस और फोर्थ स्टोरेज एरिया इन चारों के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था फोर्थ रिव्यू ऑफ द फार्मूला कि हम रिव्यू कैसे करते हैं फार्मूला का और हमें क्यों करना चाहिए फार्मूला का रिव्यू फिफ्थ हमने पढ़ा था रॉ मटीरियल्स और sixth, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विपमेंट से तो sixth है आपका रॉ मटेरियल्स के बाद इक्विपमेंट्स कि कैसे हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में तो शाहरुख तुम बताओ कि हम कैसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं पायलट प्लांट में और हमें कैसे इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए शाहरुख शाहरुख हेलो हाँ शाहरुख बोलो मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए क्वेश्चन है कि हमें कैसे इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए पायलट प्लांट में क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें किस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है. है तुम्हारी आसिफ तुम बताओ yes, आसिफ 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 यस और नो अगर पता है तो बोल दो नो माई कॉन करके आकांक्षा हाँ कैसे इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए हमें पाइप प्लांट में मैंने पहले भी बताया था वेरी गुड हाँ तो इक्विपमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे कैसे हमें यूज करने चाहिए पहले yeah. em... तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो इक्विपमेंट्स हैं आपके इकोनॉमिकल हों और कैसे हो सिंपल हों और एफिशिएंट जो एफिशिएंट डाटा दें यानी कि इकोनॉमिकल भी होने चाहिए और सिंपल भी होने चाहिए और ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ होने चाहिए जो ना तो ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों अगर ज़्यादा बड़े होंगे इक्विपमेंट्स तो उससे क्या होगा हमारा जो मटेरियल है जो हमारा रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा और जितने भी आपके ए आते हैं वो क्या एक्सपेंसिव होते हैं तो एक्सपेंसिव होने के कारण क्या हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर हम ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा हम हमारा वेस्टेज हो सकता है तो हमें ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना होगा जो ना तो ज्यादा बड़ा हो इंटरमीडिएट हो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज्यादा ही छोटा हो ऐसा इक्विपमेंट हो जो हम लार्ज large, अगर लार्जर प्रोडक्शन हम जो करेंगे पाइप प्लांट के बाद हम लब प्रोडक्शन करेंगे आगे तो हमें ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए वो इक्विपमेंट्स आपके प्रोडक्शन जो बैच आपका बन रहा है प्रोडक्शन में आगे जो फर्दर बैच बनेगा आपका प्रोडक्शन के टाइम पे उसके अकॉर्डिंग वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए और प्रॉपर्ली वो क्लीन हो सके इसलिए वो पोर्टेबल भी होने चाहिए क्योंकि अगर प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होंगे तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग उसकी होनी चाहिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स आपके यूज़ होने चाहिए तो ये था सिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में अब सेवंथ है प्रोसेस इवेल्यूएशन 7th है प्रोसेस इवैल्यूएशन इसमें एक चार्ट है मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो आप मेरे को बताना कि आपको स्क्रीन प्रेजेंट हुई है या नहीं हुई है शो हुआ नो मान नो अब हुआ हाँ तो चार्ट है इसको बनाओ बीच में है पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना यानी कि कौन कौन से पैरा पैरामीटर्स हैं जो हम इवेल्युएट करते हैं तो फर्स्ट आपका होगा ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स इसके बाद है मिक्सिंग स्पीड मिक्सिंग स्पीड फिर है मिक्सिंग टाइम मिक्सिंग टाइम उसके बाद है रेट ऑफ एडिशन ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स कॉमा सॉल्वेंट्स कॉमा सॉल्वेंट्स कॉमा सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग एक्टसेट्रा नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स नेक्स्ट है फिल्टर साइज़ फिल्टर साइज़ जो हम लिक्विड बनाने में यूज़ करते हैं फिल्टर्स सिरप सस्पेंशन सॉल्यूशंस बनाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो फिल्टर साइज़ ब्रैकेट में लिक्विड्स फिर है स्क्रीन साइज जो हम सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं और फिर है ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम बना लिया सबने हर्ष वासीफ बना लिया ओके okay. 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 और सबने बना लिया तो इसमें हमने पढ़ा चार्ट में क्या क्या हमें चीजें मेजर करनी है डिटरमाइन करनी है हर स्टेजेस पे अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रोसेस इवेल्युएशन करते क्यों हैं तो प्रोसेस इवेल्युएशन हम इसलिए करते हैं ताकि हर एक स्टेज पे जब आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो हर एक स्टेज हर एक स्टेज पे हमें जो अपना प्रोडक्ट है वो कैसा चाहिए इफेक्टिव चाहिए और स्टैंडर्ड वैल्यू में चाहिए इस वजह से हम हर एक स्टेज पे चेक करते रहेंगे अब क्या क्या चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स क्या आपके जो मिक्सिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही ऑर्डर से हो रही है या नहीं हो रही ऑर्डर इन सेंस जब आपका कोई भी प्रोडक्शन होता है जब हम मिक्सिंग में मिक्सिंग करते हैं तो एक एक करके हम उसमें रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही ए पी आई ऐड कर दिया उसके बाद -E एक्सीपी ऐड कर दिया नहीं उसके लिए हम स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है जो आपके किस में लिखा होता है एस ओ पी में भी हो सकता है या फिर जो आपके मास्टर्स जो बने होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं पहले से बी एम आर जो होते हैं बैच मैनुफैक्चरिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें पहले से ही उसमें लिखा रहता है कि हमें इस अकॉर्डिंग मिक्सिंग करनी है पहले ये मटेरियल जाएगा उसके बाद ये ऐड होगा इतना ये ऐड होना है तो हमें ये चेक करना है क्या इस ऑर्डर से मिक्सिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है उसके बाद मिक्सिंग की स्पीड कैसी है आर के टाइम में जो स्पीड चल रही है वो कितनी स्पीड है क्या वो उतनी स्पीड है जो हमारे बी में मेनशन है उससे ज़्यादा तो नहीं है तो मिक्सिंग भी हम चेक करेंगे मिक्सिंग स्पीड मिक्सिंग टाइम भी हम चेक करेंगे क्योंकि बीच बीच में हमें क्या करना होता है चेक करना होता है अपने ग्रेन्यूल्स को कि वो प्रॉपरली मिक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं तो आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स या ट्वेंटी फाइव मिनट्स हम टाइम भी देखते रहेंगे कि प्रॉपर्ली मिक्स हो रहे हैं हमारे कंपोनेंट्स या नहीं उसके बाद है उसके बाद है कि ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो ऐड कर रहे हैं सोलवेंट जो ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपरली हम ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जितना आपके रिकॉर्ड्स में लिखा रहता है उतना ही उसी रेट पे हम उसको ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हमने ज़्यादा ग्रैनुलेटिंग एजेंट यूज कर लिया या ज़्यादा हमने सॉल्यूशन बना लिया नहीं तो हम क्या करेंगे एक प्रॉपर हम हर एक स्टेज पे ये चेक करेंगे कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रॉपर अच्छे में चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके बाद क्या चेक करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स कि आपकी हीटिंग प्रॉपर है या नहीं है कूलिंग प्रॉपर है नहीं टेम्परेचर कैसा है ये सब चेक करेंगे फिर अगर आप लिक्विड अगर बन रहा है अगर कोई सीरप बन रहा है सस्पेंशन या सॉल्यूशन बन रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि प्रॉपर उसका जो साइज़ है हमने उसी अकॉर्डिंग लिया जितना हमें फ़िल्टर का साइज़ चाहिए क्या हमने उससे बड़ी फिल्टर साइज़ तो नहीं ले लिया तो हम ये भी चेक करेंगे कि फ़िल्टर साइज़ आपका प्रॉपर हमने लिया हुआ हो और अगर सॉलिड है ये हुई लिक्विड की बात अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन साइज देखेंगे कि स्क्रीन की जो साइज़ है वो प्रॉपर है या नहीं है और ड्राइंग टेम्परेचर जब ड्राई हो रहा है एफ में जब हमारे ग्रेन्यूल्स ड्राई हो रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है क्या ऐसा तो नहीं है अगर हमें देना उसमें 120 हमें टेम्परेचर देना है और हमने दे दिया है डेढ़ सौ या दो सौ तो क्या होगा खराब हो सकता है आपकी ग्रेन्यूल्स ज़्यादा ड्राई होने से भी तो इस वजह से क्या होगा आपका ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और हम क्यों करते हैं प्रोसेस इवेलेशन ताकि हमारा जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो हर एक स्टेज पे क्या हो इफेक्टिव हो हर एक स्टेज पे उसकी वैल्यू जो निकल के आए वो इफ़ेक्टिव ही निकल के आए यानी कि वो खराब ना हो आपका जो प्रोडक्ट चल रहा है वो उसी अकॉर्डिंग चलता रहे जैसे वो फर्स्ट स्टेज पे था लास्ट स्टेज पे आते आते भी फिनिश प्रोडक्ट तक आते आते भी उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो प्रॉपर अच्छी तरीके से रहे और हम जो क्वालिटी है वो एश्योर होते रहे हर स्टेज पे क्वालिटी एश्योर होती रहे यहाँ तक कि फिनिश फॉर्म तक भी उसका जो क्वालिटी है वो एश्योर रहनी चाहिए इसलिए हम करते हैं प्रोसेस एवेल्यूशन उसके बाद आता है एट सिक्स हुआ इक्विपमेंट सेवेंथ हुआ आपका प्रोसेस इवेल्यूएशन और एट है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेजर हम क्यों करते हैं पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में चलता है कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फर्स्ट होता है वेट शीट सेकेंड होता है प्रोसेसिंग डायरेक्शंस थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर फिर से सुन लीजिए फर्स्ट होता है वेट शीट सेकेंड होता है प्रोसेसिंग डायरेक्शन और थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर अब वेट शीट क्या होता है नाम से पता लग रहा है वेट शीट यानी कि ऐसी शीट जिसमें वेट हम करते हैं किसका वेट रो मटेरियल्स जो हैं जितने भी आपका अगर ए है अगर कॉम्बिनेशन में कोई आपकी ड्रग बन रही है अगर तीन ए के साथ कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो ए का कोंटिटी भी उस शीट में लिखा होना चाहिए और जितने भी आपके रो मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे उसका भी क्या होना चाहिए रो मटेरियल्स का भी क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंग हम वेट करते हैं अगर हमने उस इसलिए ही तो हम मास्टर बनाते हैं ताकि हमें ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम ऐसे ही उठा लेंगे रैंडमली हमने कोई सैंपल लिया और रैंडमली हमने उसका वेट कर लिया तो क्या हो सकता है आपकी क्वालिटी तो ख़राब हो सकती है तो इसलिए हम मास्टर बनाते हैं ताकि जितना आपका क्वांटिटी हमें चाहिए उतना ही हम यूज़ करें तो मास्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट होती है वेट शीट जो कि होनी ज़रूरी है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में उसके अकॉर्डिंग हम हर क्वांटिटी हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का वेट कर सकते हैं सेकंड आते हैं आपके प्रोसेस डायरेक्शन यानी कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग चल रही है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे तो वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए प्रिसाइज होना चाहिए प्रिसाइज मतलब क्लियर होना चाहिए ईजी होना चाहिए जो डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं कैसा होना चाहिए क्लियर होना चाहिए ईजी होना चाहिए जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो एकदम इजी होना चाहिए ताकि जो अगर कोई आ भी जाता है बाहर से तो वो पता लगा सकता है कि यहाँ पे ग्रैनुलेशन चल रहा है कैसे अगर हमने बाहर बोर्ड पे डिस्प्ले पे नहीं लिखा है कि अभी ग्रैनुलेशन हो रहा है अगर बाहर से कोई भी आपका पर्सन आ जाता है और उसको पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है ग्रैनुलेशन में इसलिए हमेशा हर जगह पे बाहर डिस्प्ले होता है और उस पर लिखा जाते हैं बोर्ड्स पे कि अभी इस ये प्रोसेसिंग चल रही है जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखा होता है उसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि उसका बैच कितना है दो लाख का है तीन लाख का पाँच लाख का कितने भी लाख का वो लिखा रहता है और ये लिखा रहता है कि वो किस स्टेज पे है ब्लेंडिंग स्टेज पे है ग्रेनुलेशन पे है कंप्रेशन पे है ड्राइंग में है मिक्सिंग में है ये सब मेंशन होना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोगों को भी दिख सके कि अब ये स्टेज पे आपका प्रोडक्ट आ चुका है अब थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर को हमेशा ये देखना है जो एक्चुअल ऑपरेटर है वही यूज करेगा या वही राइट राइट करेगा यानी कि लिखेगा जितना भी आपका प्रोसेसर चल रहा है वो कौन कर सकता है जो एक्चुअल ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है मशीन्स वही तो लिख सकता है कि अगर जब हम आगे इन फर्दर प्रोडक्शन करेंगे उससे पहले हम पायलट प्लांट में क्या करते हैं पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि आगे वो चीज़ मिस्टेक ना हो तो इस वजह से जो एक्चुअल ऑपरेटर है वही तो लिख सके लिख सकेगा कि हमें इतनी इसकी वैल्यू चाहिए हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए इतना हमें एपीआई चाहिए तो ये सब एक्चुअल ऑपरेटर ही लिखेगा अगर एक्चुअल ऑपरेटर के अलावा कोई और इसको लिखेगा तो गलती हो सकती है तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर में एक तो फर्स्ट वेट शीट आपके पास होनी चाहिए प्रोसेसिंग डायरेक्शन प्रिसाइज होने चाहिए थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर वो एक्चुअल ऑपरेटर ही लिखेगा वामेश ये चैट बंद करो तुम और जितने भी आपके वेरियस स्टेजेस हैं कौन कौन सी जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है मिक्सिंग स्पीड कूलिंग रेट्स ये सब मेंशन होना चाहिए किसमें मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर जो हमारा जो मास्टर रिकॉर्ड होगा उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए हीटिंग हमें टाइम कितना देना है ड्राइंग टाइम कितना देना है ड्राइंग टेम्परेचर कितना देना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड देना है या 150 डिग्री सेंटीग्रेड देना है उससे ज़्यादा नहीं जो स्टैंडर्ड है वही ही लिखेंगे और फिनिश गुड में आते आते सारे फिनिश गुड तक आते आते सब रिकॉर्ड आपका इस प्रोसीजर में होगा तो ये समझ में आपको मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर ये दोबारा से समझाऊ अनुभव समझ में आया अनुभव गर्ग सरफराज वामेश पीयूष रॉबिन yes, समझ में आया ओके yes, okay. एक बार मैम प्रोसेसिंग डायरेक्शन ठीक है प्रोसेसिंग डायरेक्शन में आता है जितना भी आपका प्रोसेसर चल रहा है कौन कौन सा प्रोसीसर कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो डिस्पेंसिंग से स्टार्ट होती है डिस्पेंसिंग के बाद वो कहाँ आता है ग्रैनुलेशन में आता है ग्रैनोलेसन में कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं मिक्सिंग हो पहले उसका वेट होता है फिर मिक्सिंग होती है फिर ड्राइंग होती है उसके बाद ब्लैंडिंग होती है हम लुब्रिक लुब्रिकेंट ऐड करते हैं उसके बाद वो प्रोडक्ट कंप्रेशन में जाता है तो ये जितने भी आपकी प्रोसेसिंग चल रही है ये क्लियर होने चाहिए और वो क्लियर कैसे होंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पे भी ये सब आपकी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे मिक्सिंग चल रही है वहाँ पे हम एक लेबल लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की मिक्सिंग अभी चल रही है यानी कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी पता लग सके कि यहाँ पे ये काम अभी चल रहा है ये जो प्रोडक्ट है इस स्टेज पे आ चुका है इसलिए ये क्या होना चाहिए जो प्रोसेसिंग डायरेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए प्रिसाइज होना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो सके या क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके आया रोबिन समझ में ठीक है तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यह हुआ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर नाइन्थ हेडिंग है आपकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पायलट प्लांट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या देखता है फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है तो इस वजह से क्या होगा अगर हमारी स्टेबिलिटी जो फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी है वो इसको एंश्योर करता है कौन पायलट प्लांट तो पायलट प्लांट का और क्या काम होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टेबल करके चलता है और क्या हो सकता है जितनी भी आपकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं कोई भी स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो भी प्री फॉर्मेशनल स्टडीज़ हो रही हैं केमिकल फ़िज़िकल ठीक है फिजिकल में आपके जो क्रिस्टलाइन है आपके प्रोडक्ट या अमॉर्फस हैं ये सब चीज़ें आपके एक रिकॉर्ड में होना चाहिए उसके बाद ही आपका फर्दर जो आपका टॉप प्रोडक्ट है जो आपका प्रोडक्ट है वो आगे फर्दर दूसरी स्टेज पे जाएगा यानी कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से रॉ मटेरियल आया वहाँ से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता वहाँ तक हम उसकी स्टडी करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल फॉर्म में रहे हर स्टेज में तो ये हुआ आपकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी अब है आपकी हेडिंग ये आपका कंप्लीट हो गया जनरल कंसिडरेशन जनरल कंसिडरेशन के बाद आपका आता है जीएमपी कंसिडरेशन एक हेडिंग आती है जीएमपी कंसिडरेशन इसमें कुछ चेकलिस्ट है वो आपको लिखनी पड़ेगी शो हुई जीएमपी कंसिडरेशन मैम शो तो होगी लिखो पहले जीएमपी कंसिडरेशन

A checklist of GMP items that should be part of scale up or new product, new product or process introduction includes the following. Includes the following. So first is equipment qualification. इक्ुपमेंट क्वालिफिकेशन सेकेंड है प्रोसेस वैलिडेशन, थर्ड है रेगुलरली शेड्यूल प्रीवेंटेटिव मेंटेनेंस रेगुलरली शेड्यूल प्रीवेंटेटिव मेंटेनेंस Next, regularly process review and revalidation. Regularly process review and revalidation. Next, relevant return standard. Relevant return standard operating processors.

Adequate provision for training of personnel. Next a well defined a well defined technology transfer system. A well defined technology transfer system. Next have validated cleaning processors validated cleaning processors. Next have an orderly arrangement of equipment, an orderly arrangement of equipment. So as to ease material flow, ease material flow, and and prevent cross contamination, and prevent cross contamination. लिखा सबने हर्ष वामेश वासिफ लिखा सबने yes, yes, okay. तो इसमें आपने देखा किस किस के बारे में यानी कि चेक लिस्ट चेक लिस्ट क्या होती है वो लिस्ट जो आपके हम चेक कर सकते हैं सिर्फ वही हम लिस्ट में चेक करेंगे कैलाश वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हें सबको क्लियर है में जीएमपी यानी शेड्यूल एम वन एम टू के अकॉर्डिंग हम ये चेकलिस्ट हर स्टेज पे चेक करेंगे क्या चेक करेंगे चेकलिस्ट हमेशा होती इसलिए है ताकि हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको वेरीफाई करके चल सकते हैं वैलिडेट करके चल सकते हैं हर स्टेप में ही इसलिए हम इसको देखते रहेंगे कि जो इतने भी हमारी चल रहा है प्रोसेस वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है तो हम क्या देखेंगे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन यानी कि जितने भी इक्विपमेंट है उनके क्वालिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है अब क्वालिफिकेशन में क्या होगा इसमें हर एक डाटा होगा इक्विपमेंट के बारे में कि हमने कौन सी कंपनी का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं क्या उसकी क्वांटिटी है कौन सा इक्विपमेंट हम किस प्रोसेसर में यूज़ कर रहे हैं किस प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये हो गया आपका इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में सेकेंड आ गया प्रोसेस वैलिडेशन इसमें हम पूरे प्रोसेस जो चल रहा है ब्लेंडिंग मिक्सिंग ये पूरा वैलिडेट करके ही चलेंगे कि हमने इतना मिक्सिंग टाइम देना है इतना मिक्सिंग स्पीड देना है तो हम पी में क्या प्रोसेस वेलिडेशन में ये सब हम इंक्लूड करेंगे थर्ड है रेगुलरली शेड्यूल प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस यानी कि हम रेगुलरली ये देखेंगे कि जितना भी आपका मेंटेनेंस है वो सही है या नहीं है शेड्यूल वाइज है या नहीं है फोर्थ है रेगुलरली प्रोसेस रिव्यू एंड रिवेलिडेशन वैलिडेट होने के बाद हम उसका रिवेलिडेशन भी करेंगे यानी कि दोबारा से हम उसको रिवेलीडेट करेंगे प्रोसेस को प्रोसेस को रिव्यू भी करेंगे दोबारा से और रिवेलीडेट भी करेंगे नेक्स्ट में आता है रिलेवेंट रिटर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर यानी कि जो एस होती हैं आपकी एस क्या होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो एस में हम सब कुछ मेंशन करेंगे कि हमें कौन कौन से प्रोसीज़र जो है आपका वो सब कुछ इसमें आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ जाएगा स्टैंड नाम से ही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि जो आपका प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोसेस के लिए वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए स्टैंडर्ड यानी कि जो एक बार अगर इसमें एस में लिखा गया यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोसेस को करेंगे तो ये एक रिलेवेंट होना चाहिए यानी कि एक स्टैंडर्ड वे में ही लिखा होना चाहिए किसी ऐसे बंदे को इसको लिखना है जो प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को लिख सके अब किसी ने एस में ही गलती कर दी तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा वो भी गलत ही बनेगा अब पायलट प्लांट में ही गलत बन गया तो फिर वो आगे मैनुफे उसमें जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी लार्ज स्केल पे तब भी वो गलत ही बनेगा तब भी उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल होगी होगी तो इस वजह से ये चीज़ हमें चेक करनी होगी नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनल यानी कि हमें जो टेक्नीशियंस जो हम यूज़ जो इसमें काम करेंगे टेक्नीशियंस वो क्वालिफाइड होने चाहिए अगर आपके क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या होगा इिटरेट हुए और ऐसे हुए जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो क्या हो सकता है आपकी जो प्रोसेसर है उसको क्या होगा वो ख़राब हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स क्यों खराब हो सकते हैं जिसको पता ही नहीं है जिसको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में डोजेस फॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो कैसे उसको मैन्यूफैक्चर कर सकता है जब तक उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो अब कोई अगर आप सपोज करो कोई ऑपरेटर है जिसने कभी आर का यूज़ ही नहीं किया जिसने कभी आर को चलाया ही नहीं है रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर को कभी यूज़ ही नहीं किया उसको पता ही नहीं है कि इसको सेट कैसे करते हैं इसका टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं तो वो क्या करेगा कैसे उसको मिक्स कर सकते हैं उसमें प्रोडक्ट जब तक उसको पता ही नहीं होगा ये तो हो गई ऑपरेटर की बात अगर कोई आपका काम कर रहा है किस में क्वालिटी कंट्रोल में कोई काम करता है और उसको प्रॉपरली किसी भी चीज़ की टेस्टिंग ही नहीं करनी आती है तो वो कैसे टेस्ट करेगा कैसे ऐसे वो प्रॉपर निकाल पाएगा जब तक तो उसको टेस्टिंग ही नहीं आती होगी तो तो इसलिए हमें कैसे टेक्नीशियंस लेने हैं क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेने हैं अब नेक्स्ट है एडिकुट प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स अब जो हमारे पर्सनल जो पर्सनस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए हर महीने या हर वीकली जैसे भी जैसे भी चाहते हो वैसे उसको एक हम क्या देंगे ट्रेनिंग दे देंगे ट्रेनिंग से क्या होगा ट्रेनिंग से अगर कुछ भी मिस्टेक आगे होने वाली है तो वहीं पे वो पकड़ने में आ सकती है क्योंकि हर बंदा हर साथ साथ तो होते नहीं है और जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के टाइम पे सब बंदे एक साथ आ सकते हैं तो पर्सनल्स को पर्सन को क्या करना पड़ेगा ट्रेनिंग भी हम प्रॉपर देनी चाहिए ताकि प्रॉपर उसको हर चीज़ समझ में आ सके फिर है आपकी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम है वो वेल well डिफाइंड होनी चाहिए यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पावर प्लांट में वो वेल well डिफाइंड होनी चाहिए और वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसेसर्स होने जानी चाहिए जो प्रोसेसर हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं टाइप ए क्लीनिंग हो या टाइप बी क्लीनिंग हो इससे की क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक क्लीनिंग होती है बैच टू बैच एक क्लीनिंग होती है ये अलग अलग क्लीनिंग होती है इंडस्ट्री में तो आपकी जो क्लीनिंग प्रोसेसर्स है वो वैलिडेट होने चाहिए सब कुछ लिखा होना चाहिए कि हमें किस अकॉर्डिंग क्या करना है क्लीनिंग करनी है किस किस टाइम पे करनी है क्या हर एक दस मिनट बाद करनी है क्या हर एक आधे घंटे बाद हमें क्लीनिंग करनी है ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए और लास्ट में हम क्या देखेंगे ताकि आपके जो इक्विपमेंट है ऐसा उसका अरेंजमेंट हो ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो अब एक होता है कंटामिनेशन और एक होता है क्रॉस कंटामिनेशन इसमें डिफरेंस क्या होता है इसमें यह डिफरेंस होता है कि जो आपका कंटामिनेशन होता है वो तो डस्ट से भी हो सकता है डस्ट हो गया कोई इंसेक्ट आ सकता है ये कुछ भी करके आपका कंटामिनेट हो सकता है प्रोडक्ट बट क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है अगर आपका एक जगह पे मिक्सिंग अगर चल रही है आपकी पैरासिटामोल की और ड्राइंग चल रही है किसी दूसरे एपीआई की तो उससे क्या होगा सफिकीम की अगर मान लो कि ड्राइंग चल रही है तो और वो दोनों क्या होंगे उनका अरेंजमेंट ही प्रॉपरली नहीं हो रखा है वो एक ही जगह में हम उसका ड्राइंग भी कर रहे हैं मिक्सिंग भी कर रहे हैं तो क्या हो सकता है सफिक्जियम जा सकता है पैरासिटामोल के अंदर पैरासिटामोल जा सकता है सफिक्जियम के अंदर तो इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा ऑर्डर बनाना पड़ेगा इक्विपमेंट्स का ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो हम इक्विपमेंट्स को क्या कर सकते हैं अलग अलग स्टोर कर सकते हैं अगर हमने सोच अगर हमने देखा है कि मिक्सिंग अभी पैरासिटामोल की चल रही है तो वहां पे हम सिर्फ यूज ही ना करें अभी जब तक उसकी फिक्सिंग प्रॉपर ना हो क्लीनिंग करने के बाद हम उसको यूज कर लें तो इसलिए हम क्या क्या चीज चेक करेंगे इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन प्रोसेस वैलिडेशन रेगुलरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो ये सब आपका आ गया जीएमपी एम कंसिडरेशन के अंदर फिर उसके बाद जब आपका पूरा पायर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बाद होता क्या है उसके बाद होता है ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस के बाद सारा डाटा चला जाता है और क्या करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस पूरा एश्योर करके चलते हैं चलते हैं कि जितना भी आपका स्टेज पे वर्क हो रहा है जितना भी आपका वैलिडेट हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस का एश्योर करना कि हर स्टेज पे हर एक प्रोसेस जो आपका चल रहा है ब्लेंडिंग या फिर आपका ड्राइंग मिक्सिंग ये सब आपका कैसा चल रहा हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहा है या नहीं चल रहा है बी के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है ये सब उसका काम होता है किसका क्वालिटी एश्योरेंस का फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पायलट प्लांट क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं पायलट प्लांट के वही हो सकते हैं कि आपके जो मिस्टेक्स हैं वो लार्जर प्रोडक्शन में ना हो इसलिए हमें पायलट प्लांट से ही यूज करके क्या हो सकते हैं मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं और क्या हो सकता है कि जितने भी आपके क्वालिटी कंट्रोल में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने जितने भी उन्होंने एक्सपीपियंस को जितने भी क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं वो क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में क्या करते हैं जितने भी आपके ए हैं उनका एस निकालना या एक्सपीपियंस को देखना कि कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर एक्सपीपरियंस हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो पायलट प्लांट के अकॉर्डिंग क्या होता है जितने भी आपके लार्ज प्रोडक्शन में हमें यूज़ करने हैं तो वो लोग ये भी कर सकते हैं अगर उनके पास पायलट प्लांट में कुछ एक्सपीपियंस हैं यानी कि उनको पता है कि हमने पायलट प्लांट के लिए लिए हैं तो यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होंगे तो वो एक्सपीरियंस वो आगे इन फर्दर प्रोडक्शन जो लार्ज प्रोडक्शन है लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन करें उसमें यूज़ कर सकते हैं और क्या हो सकता है जितने भी आपकी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्टाफ है मेंटेनेंस हो सकता है इंस्टॉलेशन हो सकता है रिपेयर हो सकता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं पायलट प्लांट के तो इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिपेयर करेंगे ही करेंगे बट लार्ज प्रोडक्शन में जब होगा इक्विपमेंट्स वहाँ पे भी काम कर सकते हैं अब एडवांटेजेस तो इसके बहुत ज़्यादा हैं पायर प्लांट के बट डिसएडवांटेजेस के बहुत कम है इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर इन फ्यूचर प्रोडक्शन में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो किसके ऊपर बात आती है सब आएगी पायलट प्लांट जो जहाँ पे लोग काम करें जो स्टाफ है पायलट प्लांट का तो पूरे उस स्टाफ के ऊपर सब बात आ जाएगी क्योंकि गलती तो हो गई है पायलट प्लांट में अब हम उसको प्रोडक्शन में यूज कैसे करें जब तक वो गलती हो गई तो तो कौन किसको पकड़ेगा पायलट प्लांट वाले लोगों को कहेंगे कि आपने पायलट प्लांट में ऐसे कैसे प्रोडक्ट यूज़ किए जो आपका लार्जर प्रोडक्शन में वो फेल हुआ तो डिसएडवांटेजेस के बहुत कम है बट एडवांटेजेस इसके बहुत ज्यादा है तो आज आपका कंप्लीट हुआ पायरेट प्लांट नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन के बारे में जनरल कंसिडरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड तो ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अभी जिसको डाउट है वो पूछ सकता है एनी किसी को कोई डाउट है वासिफ मैम नोट्स मिलेंगे क्या हां मिलेंगे नोट्स अनुभव समझ में आया जो पढ़ाया आज हेलो हेलो हाँ शाहरुख मैं बोल रहा हूँ कि मैम पहले आप नोट्स दे दीजिए फिर हम नोट्स से देख के पढ़ेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा नोट्स आपको बाद में ही मिलेंगे जैसे आपकी जैसे आपके यूनिट कंप्लीट होती रहेगी उसी के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे